गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको मनी प्लांट को ज़्यादा ग्रो कैसे करवाएं, उसे ज़्यादा घना कैसे बनाएं, उसके बारे में आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप अपने मनी प्लांट की अच्छे से ग्रोथ करवा सकते हैं। हम देखते हैं कि अब जो मनी प्लांट है उसके आसपास छोटे छोटे पौधे या छोटी छोटी पत्तियाँ निकल आती हैं, जो बाई चांस कुछ बीज गिर जाते हैं हवा के थ्रू, तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे जो प्लांट है, कोई भी प्लांट हो, उसको उसके पास में पूरा मतलब पोषण नहीं पहुंचने देते हैं, इसलिए इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमारे जो मिट्टी होती है उसमें हरी काई, एलगी, शैवाल बोलते हैं जिनको, वो जम जाता है। ये क्या होता है कि जो मिट्टी के ऊपर एक परत बना लेते हैं, जिससे न तो पानी अच्छे से नीचे तक पहुँच पाता है और जड़ों तक, और न ही प्लांट की जो मिट्टी है उसको जो नाइट्रोजन या कुछ गैसेस चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। इसलिए इस काई को हटाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई सा भी आप प्लांट लगा रहे होते हों। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए दूसरी टिप ये है कि आप इसकी मिट्टी में किसी चम्मच या लकड़ी की सहायता से थोड़ी सी खुदाई कर लें, जिससे प्लांट्स को ऑक्सीजन या जो उनको नेचुरल गैसेस जो चाहिए होती हैं वो अच्छे से मिल पाती है। इसके लिए आप उनको किसी भी लकड़ी से थोड़ी थोड़ी खुदाई कर लें। ध्यान रखें कि इसमें जो उनकी जड़ों हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। अब इसमें मैंने बालू मिट्टी और थोड़ी सी गोबर की खाद ली है, मैंने कोई स्पेशल मिट्टी नहीं ली है, नॉर्मल जो हमारे घर पे है वही, जो बालू मिट्टी मिल जाती है वही ली है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके घर पे उपलब्ध हो उसमें उगाएं। प्लांट की अच्छे से केयर करना बहुत ज़रूरी है, वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है। मैंने इस पे ये गोबर की खाद ली है, या तो आप पहले मिक्स कर लें या बाद में मिक्स करके भी इनको उगा सकते हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके इनको अच्छे से सेट कर लें। एक बात ध्यान रखें कि प्लांट में पानी डालने के लिए गमले के अंदर जगह होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें पानी अब्जॉर्ब करने के लिए उसको टाइम लगता है और वो अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। फिर इसमें जितनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग उसमें पानी डालें, ज़्यादा पानी ना डालें, इससे प्लांट की जड़ें गलने का डर रहता है। पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ दें। आप देख सकते हैं इसके पास मैंने कुछ और पौधे भी लगा रखे हैं, जो पत्थर चट्टा का प्लांट है, जो जिसकी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। थैंक यू।